So what's up everyone, this is Vivek. आज 11th of January. आज फिर से जिम जा रहा हूँ. तकरीबन 6:30 बजे हैं, सिर्फ 6:30. और अब घर से मैं तो बाहर निकले ही नहीं था. जब बाहर निकले तो देख रहा हूँ माहौल कुछ 11:30 बजे वाला है कुछ ऐसा. मतलब इतना ज़्यादा कोहरा, ओ भाई साहब, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा. मतलब क्या मेरे को सिर्फ यहाँ से 50 मीटर तक का मेरे को रेंज दिख रहा है, फिर उसके आगे से मतलब क्या सिर्फ लाइट का पोल हल्का हल्का सा दिख रहा है. बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा कोहरा. देखोगे कोहरा आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं, हवा इस तरह से है. देखो कोहरा पास आउट हो रहा है, धूप में लाइट में दिख रहा होगा आपको. क्या है बताओ, आगे का तो कुछ दिख भी नहीं रहा है मेरे को. और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ. एक्चुअली राहुल को जिस दिन मैं छुपने के लिए आया था, मैं जब बाय बोला था, मैंने यहाँ से बोला था, ठीक है. और जो यहाँ छोरा मेरे को वो वाला लाइट ही नहीं दिख रहा, वहाँ पे आस पास रहता है. कोहरा भाई साहब, कसम से आज दिख रही बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. आज यही होता है जब नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ होता है. तो एक भैया आए आज, जो पंकज भैया थे ना, उनके छोटे भाई अंकज भैया, वो भी यहाँ पे आज आए हैं. नहीं, तकरीबन 3-3.5 साल बाद आज जाके आए हैं. जैसे कि हम लोग के घर से तकरीबन सिर्फ 2 घंटे का ट्रेन का ट्रैवल है. इतने देर में तकरीबन 3 साल बाद, ओ माय गॉड. कभी आते नहीं ना, क्योंकि उनको काम रहता है वहाँ पे, इसलिए आने का टाइम नहीं मिलता. बट एनीवेज ठीक है, आज आए हैं. क्योंकि 14 तारीख तक मकर संक्रांति है. तो हाँ, और कुछ मैं एक बात बताना चाहता था. चूचू टीवी याद है, मैंने 2 ब्लॉग पहले बोला था. जिस दिन 10 तारीख मतलब मैंने जब कल जो ब्लॉग पोस्ट मारा था उसमें मैंने बताया था कि याद है चूचू टीवी ने 10.8 मिलियन सब्सक्राइबर हिट किया है. वो हिट उनके चैनल पे जाना, चैनल पे जाने के बाद उसका चैनल में देखना, 3-4 चैनल है, ठीक है. और वो सारे चैनल को मिल के जो उनका सब्सक्राइबर जनरेट हुआ है, वो एक दिन का जनरेट हुआ था 10.8 मिलियन. ऐसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं. मैंने सोचा भाई एक चैनल में एक दिन में 1.8 मिलियन, ओ माय गॉड. और वो जो कोहरा था उसे हमारे उधर ही था. मतलब मैं जिस रोड से सीधा सीधा आता उसी रोड में था, इधर था ही नहीं, क्योंकि इधर का रोड पूरा क्लियर है. मतलब कोहरा है बट उतना ज़्यादा नहीं है जो आगे का कुछ दिख ही ना, वहाँ वाला बहुत ज़्यादा था. यहाँ पे दिख तो रहा है. आज फिर से मैं जिम अकेला ही जा रहा हूँ, क्योंकि भैया सुबह में चला गया था, प्रशांत आज गया नहीं, उसका कुछ काम था. मैं फिर से आज अकेला. ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. अकेले जाने का मज़ा ही अलग है ना, अकेला एकदम. कहीं भी जाओ अकेले, भीड़ तुम बड़े चलो. हाँ, मैं कल ही रिकॉर्ड कर चुका था, जैसे कि जो रोस्टिंग का था मैंने कल रिकॉर्ड करा. कल जैसे कि मैं परसों रात को मैं सोया नहीं था, जैसे कि मैं बता रहा 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने सोया था. इसके वजह से मैंने सोचा नहीं कल ज़्यादा जागना सही नहीं होगा, क्योंकि जिम जाने के बाद ना, जिम में जब जाओगे ना तो वर्कआउट कम उबास ही ज़्यादा आता है. तो उसकी वजह से मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया जो नहीं सोना बेटर होगा. ये तो मैं सुबह में भी कर लूँगा, बट सुबह में होता कहाँ है. तो सुबह में बस मैंने एक चीज़ करा, मैंने रात को जल्दी सो गया, 11:30 तक सो गया था. सुबह उठ के मैंने ब्लॉगिंग को पहले एडिट करा, फिर ब्लॉग पोस्ट मारा, फिर जो भैया आए तो उनका जो काम था फिर मैंने वहाँ पे गया. वहाँ से आते तक 3:30-4 बज गए. फिर मैंने एडिटिंग के लिए खोला, मैंने सारे फाइल को मतलब एडजस्ट किया, देन फिर खाना खाया, मोबाइल चार्ज ख़त्म, 8% हो गया था. फिर मैंने उसको चार्ज में लगाया. चार्ज में लगाने के बाद फिर चार्ज से निकाल के अभी तकरीबन 70% चार्ज है फ़ोन. तो इतना सारा करने के बाद अभी फिर जिम के लिए निकल जाओ, फिर जिम से आओ, फिर फ़ोन. मतलब जो खाना खाना, जो मील्स लेता हूँ, मील्स मतलब मील्स क्या, वही नॉर्मल दलिया वगैरह, आलू बॉयल, यही सब. मतलब घर का ही खाना जो रहता है वही सब, और तो वह सब खाता हूँ. फिर फ़ोन तो चार्ज में लगाऊंगा, थोड़ा सा और चार्ज करके उसका फिर रात भर एडिटिंग करूंगा. हो सके तो कल जो सेकंड चैनल है उसका नाम है बियोस्ट, जैसे कि बी यूनिक विथ पैट, मेरा नाम है उसमें, बी फॉर विवेक और ओस्ट मतलब रोस्ट. तो दैट्स मीन बियोस्ट. कैसे कमेंट में जरूर बताना जो बियोस्ट नाम आपको कैसा लगता है, अच्छा है या ख़राब है. मतलब क्या चलने वाला है. और अभी तक मैंने चैनल आर्ट बनाया नहीं है, सिर्फ लोगो बना पड़ा है. लोगो क्या, लोगो तो मैंने अपना फ़ोटो ही डाल दिया है, और चैनल आर्ट बनाना बाकी है. उसका फिर एडिट भी करना बाकी है. बहुत काम है आज जिम से घर जाने के बाद. सो या बने रहो वीडियो में. घर जिम पहुँच चुका हूँ, वर्कआउट कम्प्लीट करते हैं, देन फिर मिलते हैं. बाय. So guys, finally वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है यार. आज बाइसेप ट्राइसेप करा था भाई साहब, क्या है. मतलब
ट्राइसेप पंप हुआ है ना, मतलब बाइसेप तो हुआ ही नहीं पर ट्राइसेप हुआ है। एक चीज़ तो बहुत मतलब क्या वर्कआउट करने में बहुत इरिटेटिंग सा फील होने लगा था, इतना साला भीड़ है ना जिम में यार। एक तो इतना सा है मतलब छोटा सा जिम है और उसमें तकरीबन 40 से 50 आदमी, और ये जो हम लोग का जिम ट्रेनर है भाई, जितना बंदा मिल रहा है घुसाते जाओ। हद है यार कुछ भी, मतलब जिम में एक बंदा भी ढंग से जो अगर वर्कआउट कर ले, 40 है ना बंदा, 40 में से 10 भी वर्कआउट ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है और एक सेट में तकरीबन 6-7 जन का लुदका हुआ रहता है। अगर आज तो वर्कआउट भी ढंग से नहीं हुआ, इसीलिए मतलब क्या बताओ सर को। और भी जिम ट्रेनर जो होते हैं ना एक ठीक होते हैं, बट ये वाला जो है ना जो पैसा वाला होता है ना, जो थोड़े ज़्यादा पैसे वाले, उसके ये पापा का कुछ नाम पहचान है उनके, उनको मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ऐसा कुछ सीन है उनका, मतलब क्या बताएं। और जिम से निकलते ही यार एक मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, मेरे जहाँ पे मैं वर्क जो जिम है वहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर दूरी है हम लोग मेरा स्कूल। और उस स्कूल में ना एक टीचर है, उस टीचर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि टीचर फिर बदनामी होने ना मेरे को ऐसा, मतलब क्या यो टीचर जो है ना इतना नीच किस्म का टीचर है वो, क्या बताऊँ यार वहाँ बेकार टीचर एकदम रद्दी है वो। कुछ दिनों पहले ही उसने मेरे से नंबर मांगा था, मैंने नंबर के लिए मतलब क्या कैसे भी करके दिमाग सर छूटा उससे, हटा मैं उसके सामने से, और आज फिर मिल गया, आज फिर से नंबर मांगा तो फिर क्या करता यार, सर है तो कुछ भी ना भी नहीं बोल सकता, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने नंबर दिया, अपना नंबर दिया, जो बंद नंबर है वो दिया मैंने, किसी दिन साला फिर पल्ले पड़ेगा तो बोलेगा जो वो बंद वाला नंबर दिया है यार, तुम्हारे नंबर पर कॉल ही नहीं लगता है। उस एक टीचर ने ना टीचर का नाम खराब कर पूरे स्कूल में, वहाँ रद्दी टीचर है यार वो। और मैंने सोचा था उस दिन जो शनिवार को मैं जो लेगो वर्कआउट करने के लिए गया था, आज ठीक हो जाएगा, 2-3 लगेगा तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं अभी तक ठीक नहीं हुआ यार। मतलब एक और भैया था, उन्होंने तो मेरे से ज़्यादा वेट कैरी किया था, उनका भी आज बैंड बजा पड़ा, अच्छा खासा बैंड बजा उनका। जैसे कि मैंने कल जो वीडियो में दिखाया था ना अपने घर से पीछे जो कितना कुहासा है, कितना बड़ा फील्ड है, वो यही वाला फील्ड है। अभी भी देखो ना कुछ नहीं दिख रहा है घर, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा मतलब कोहरा है। तो जब मैं आ रहा था तब तो कुछ ज़्यादा ही था, अभी कम गया है, अभी लाइट सब दिख रहा है। सो यार आज का इतना ही था, कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मेरा तो आज ठीक ही नहीं है, आज भी बैंड बजा पड़ा है। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।